Hey, what's up, Legit Gang? और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बेला की मिक्सटेप पर, yes. जिसका नाम है God Made Me The Greatest. और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो कि सिर्फ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करती है. yes. और आप फाइनली आज कर रहे हैं, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी. तीन गाने हमने बना दिए थे ना. हाँ, तीन पे बना दिया था. हाँ. चार रह रहे हैं. यस, तो उनको मतलब सारे ही करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ चार ही करेंगे. तो लेट्स गो मैन, चलते हैं. अगर आपने रिक्वेस्ट करी थी और अब हम बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. सो लेट्स गो मैन. वाइब होने वाली, जितने भी हमने गाने सुने मस्त लग रहे थे. एक जो लास्ट वाला था उसकी प्रोडक्शन अच्छी लगी थी, और स्टार्टिंग की लाइक अ मूवी और इसका अगला जो ट्रैक था उसकी प्रोडक्शन उतनी अच्छी लगी थी. ऑल दो गाने तो मस्त थे. सो लेट्स गो मैन, चलते हैं, वाइब लेते हैं पूरी मिक्स टेप की. सो लेट्स गो मैन. मेरा कोई मूड नहीं घर में जकूजी, पीठ पे रेनू का पैरों में सूजी. What I mean, rappers on sick leave, I'm a peacemaker करूं weak spot पे मैं hit tight हूं. मैं बॉम्बे के लिए बंटा है, बाकी डॉन डॉन बोले नॉर्थ साइड. अब हर एक गाना मेरा money ties, मैंने बोला मेरा हर एक गाना money lies. जब तेरे जैसे हरे हर एक semifinal. Life is a movie, मैं करता नहीं लोगों पे mercy. इस fashion का मैं ही हूँ दर्जी, मुझे है झूठ से सख्त allergy. Come and alert me. Fashion का खुद ही हूँ दर्जी. भाई ये बात तो है भाई, उसकी अपनी लेन है ब्रो. फैशन का अपना उधर जी सेंस बनाता है उसके आर्ट पे. और भाई वीडियो भी बहुत मस्त है, मतलब ना मीम्स वगैरह यूज कर रखे हैं, द मास्क वाला एंड ये सब बहुत सही है. मुझे है झूठ सिंपल एलर्जी, कम एंड अलर्ट मी. कर रहा मैं वार्म अप ब्रेक फेल, इनका तो काम नाम सब सेम. दिए तुझे जा मैंने बेटा 10 डेज, हूं मैं घर में कॉशन बहुत ज्यादा डीप. मेरे वर्सेस व्हाट इफ आई एम नेवर गोना लूज, हूं मैं हैवी वेट. करूं दिन में तो चार बार मेडिटेट, मेरे फैन तोड़े मिलने के लिए बैरिकेड. ये लाइफ इज अ मूवी, काचा चीना मेरा रूम ही. गली से निकले बढ़ाने अवरूति, हर शहर के बैनर पे एक दिन ये चेहरा हूं मैनिफेस्ट. खतरे से दूर है ये स्पाइडी सेंस. क्यूबन और एमएनएम मूजी फ्लो चेरी दो सारे गोस्ट फाय. हां लीव बिना कहे यहां पे, मतलब वो मेरे को हमें लगा था कि उस टाइम पे कि वो शॉट ले रहा है, अवरुत्ति का नाम लेता है, फिर डिवाइन का नाम लेता है, शाउट आउट दे रहा है ना, शाउट आउट दे रहा है. और अभी वो भी क्या सब यूज कर रहा था, जेब मुंह में है क्यूबन और जेब में एमएनएम्स, मतलब दोनों जेबों में शायद, एक में क्यूबन सिगार और एमएनएम. जेब में क्यूबन और एमएनएम मूजी फ्लो चेरी दो सारे गोस्ट फाय. हां लीव बिना कहे तो है प्लान बी. रैप सीन मेरे लिए बना हैंडी, खड़ा करो रैपरों को जब मैं करूं लैंडिंग. गैदरिंग करे सारे रैपर हो गए फैंसी. फाइव स्टार मेरे क्राइम्स कैन साइन पे गुड लाइफस्टाइल लाइक कूल. चीप ट्रिक्स खेले आप लोग मेरे, महीने में दो शोज मेरे, कभी होंगे महीने में 30 शोज मेरे. जिंदगी है पिक्चर छोटे, मैं हीरो या विलन ये नसीब पर है छोटे. मैंने घर से 8,000, अब महीने में पैसे भेजूं 8 बार. ये लाइन बात फ्लैक्स जो उसने वर्ड यूज करा, पहले होता था कि 8,000 रुपए घर वालों से रेंट भर रहा था, क्या घर वालों से नहीं, 8,000 पहले. हाँ, 8,000 पहले कमाता था ऐसा. हाँ, कुछ छोटे मैं हीरो या विलन ये नसीब पर है छोटे. चोरी किए मैंने घर से 8,000. चोरी किए थे मैंने. अच्छा, चोरी किए थे मैंने घर से 8,000, और अब महीने में 8 बार पैसे भेज रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है ना. फ्लैक्स है ब्रो, फ्लैक्स है जो उसने वो वर्ड यूज करा. अब महीने में पैसे भेजू 8 बार. उसी को करने दे जिसे ये आता बखूबी. नशे में देखता हूँ सूफी, ना किसी की गांड में छुई. मैं करूंगा बोलने का तरीका भाई. गाड़ी में बंदे या जेबों में ओज, लाइफ इज अ मूवी. मैं करूंगा जो मेरा मन में आएगा, लाइफ इज अ मूवी. गाड़ी में बंदे या जेबों में ओज, लाइफ इज अ मूवी. चेन बहुत अच्छी है, वाइस की है. ओके खत्म. लाइफ इज अ मूवी या बग्स बनी आ गया एंड में. लेट्स गो. मस्त है, वाइब भी ट्रैक है मतलब. हाँ भाई, बट लिरिकली तो है भाई. वो बेला जो स्टाइल है, वो जो कह रहा है कि इस फैशन का मैं खुद ही हूँ दर्जी, तो वो है भाई. हाँ. सेंस बनाता है उस पर वो लाइन, बहुत सही. अब चलते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स. रोशन सर कुछ कहना चाहेंगे इस गाने में, क्योंकि ये भी हमने रिएक्शन कर रहा पहले. हाँ नहीं, बढ़िया गाना ये भी. प्रोडक्शन वाइज थोड़ा बस प्रोडक्शन. हाँ वही जो है वो पूरी तरह से सही भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है. रोशन ने बोला था रैप बॉट, मेरे को तो लगा कौन न्यूज़ देने वाला है. रोशन ने बोला रैप बॉट है. नाम क्या है? नाम क्या है? नाम 47. बेला है भाई, बेला है. ओ भाई मुझे गिरा भाई, इसके ये ना खतरनाक ड्रिल था ना. ये रैपर से चौक में, चौक में लगा दूं भीड़, इफ आई गो टू मॉल में. ये रैपर से चौक और मैं चौक पे लगा दूं भीड़, जब भी मैं जाऊं मॉल. सो लेट्स गो मैन. बात है भाई.
ये रैपर से चौक में लगा दू भीड़ इफ आई गो टू मॉल में ले जाता है तो खेला था दस लोग नहीं होता अफसोस मैं खुदा का नेक दिल बंदा इन हाथों में कला नहीं कला के नाम पे खुदा का समय आ गया दिल मेरा शांत है बैठा नहीं चाहता है अब छोटी कार में क्योंकि मैं हाई प्रोफाइल बंदियां करूं मैं रैंडमाइज मेडिटेशन करूं 8 से 9 फिर मुर्दे को छू के मैं दे रहा हूं लाइफ। ये लाइन बहुत सही लगी थी क्योंकि एक अभी जो लाइव बीच में दिखा रहे थे एक पहला की वो लाइन भी दिख रही थी कि मैं ऐसा हूं कि मुर्दे के बगल में भी मेरे को काट दो या ऐसा कुछ कह रहे हो तो मैं उस पर भी हाथ लगा के उसको जीने की चाहत दूं कुछ ऐसे करके लाइन थी तो शायद उसी का कुछ वो वर्जन लगता है मेरे को ये शायद वो आगे वाली लाइन पड़ेगी पर अभी कुछ आगे नहीं तो बाद में कभी नहीं चाहता है अब छोटी कार में क्योंकि मैं हाई प्रोफाइल बंदियां करूं मैं रैंडमाइज मेडिटेशन करूं 8 से 9 फिर मुर्दे को छू के मैं दे रहा हूं लाइफ। बहुत तगड़ी लाइन है भाई ये करी नहीं ना इंसाफ कभी बीट पे शुरू से ही छीने जिद दी जंगली चीते भरा पड़ा गुस्सा अब भी पुस्तकों में लड़के हैं उल्फतों में तेरा भाई ने देखे अभी सुर्खियों में बोले ले आओ पहला जो एमटीवी पे सच कहूं बहुत साइको था उन दिनों में दिल्ली से निकला पहाड़ों में मेला कुछ यारों से अब भी उन यारों में तुम कहते रह गए पहला हारोगे अंत में चीखोगे बहुत गलत वाइब्स है भाई इसकी हुक की ना खतरनाक मेरे लिए हाफ रायला मुझे डिस करके तू यहाँ झूल जाएगा छोटे मैंने खोल दिया मुंह तुझे सीन तुझे झटके में भूल जाएगा तो ये भाई ये बार लाइन भी बहुत हमने शायद उस टाइम ध्यान दिया था पता नहीं नहीं दिया था पर मैंने अगर मुंह खोल दिया तो बेटा सीन तुझे किसी को टारगेट करके बोलना है कि अगर मैंने बोला तो भाई पता लग जाए ना रफ्तार पाजी को रफ्तार को बोल रहा था पता नहीं आइक का कोई बोल रहा था पर मतलब किसी पे एक पे शॉट लेके बोल रहा है कि मैंने खोल दिया मुंह तो फिर भूल जाएगा तुम सीन उसका कोई तोड़ नहीं होगा ये फैक्ट है जैसे मैं 20 में होम के हर एक गाने से यहाँ दे रहा था रैप के पहला तू खुदा नहीं बन मैंने कहा मैं तो बस जूती हूँ भाई ये लाइंस भाई उसकी यहाँ से पूरी स्विच हो जाती है शायरी से मुझे मेलोडी संभाले मुझे गिर रहा से मिट्टी से मेरे पाँव में जूते आज भी बाप के कभी करूं बाप के नाम पे माँ की बातें माँ के लिए दिल तक खाली दिल में जाके लोग मुझे मिल के मुझसे बन नहीं पाते हैं मैं घिरा रहूं हर सभा में देख जनाजे खुदा मेरी जी के सिन के खुद को डांटे गाने मेरे सब पे गा मैं जिस मंजिल पे हूँ उस पे भी ना ये भाई ये वाली लाइन हमने उस पे भी बोली थी खुदा मेरे को देख के खुद को ही डांटता है yes. इस बंदे को मैंने किस सिचुएशंस में डाल दिया क्या क्या इसको सहना पड़ रहा है वगैरह वगैरह तो बहुत मतलब इम्पैक्टफुल लाइंस हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भाई के मुझसे बन नहीं पाते हैं मैं घिरा रहूं हर सभा में देख जनाजे खुदा मेरी जी के सिन के खुद को डांटे गाने मेरे सब पे गा मैं जिस मंजिल पे हूँ उस पे भी नाज़ है मैं बना क्या मैं था क्या होते नहीं गम महसूस मैं लेता हूँ बहुत ज्यादा टेंशन बहुत कुछ मुझे करना है प्रूफ बीट पे लायबल ये लड़के हैं नशे में हाई पर गानों में अलग सा साउंड कोई ट्राई कर फेराना लीग में खेले फिर डिसाइडर बनना उससे पहले तो उंगली मत दो भाई पहले सही चीज बोलना है वो जो कर रहा है वो बोल गाना मतलब डिफरेंट है मतलब ये गाना तो बहुत ही डिफरेंट है भाई और कहीं नहीं सुना था एक तो वो मेलोडीज भी ला रहा ना संभाले मुझे बहुत सही लग रहे हैं भाई मेलोडीज तो लेट्स गो मैन नेक्स्ट ट्रैक रोशन सर नेक्स्ट गैंग गैंग थर्ड ट्रैक है देखते हैं गैंग गैंग किसको हो रही है गैंग गैंग सो लेट्स गो मैन चेक करते हैं भाई डायमंड्स बेला ये बेला हाँ वही है वही तो चिल वाइब्स आ रही हैं अभी देखते हैं कितना चिल रहता है अंदर गैंग 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 एडी एडी ओ मन हैक गॉड पावर है पोसेस्ड गैंग 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 बिचेस कॉल मी यू द बेस्ट करू नेशन रिप्रेजेंट लाइक गैंग 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 एडी एडी ओ मन हैक गॉड पावर है पोसेस्ड डो भाई गैंग 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 बिचेस कॉल मी यू द बेस्ट करू नेशन रिप्रेजेंट लाइक गैंग 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 गैंग
बीट बहुत सही है भाई। मैं फास्ट एंड फ्यूरियस कॉम्बो बर्स फायर लाइक एन M4 मुझे बस कागज और पेन दो टू एनीवन मगर गांड फाड़ थी ना मेरी पहली एल्बम मैंने डिसमिस करनी है कब की छोड़ दी अब दोस्त बना रहा मेरे सारे राइवल्स को ये बिग स्माइल वाला था नहीं वो बिग स्माइल नाम था क्या नाम था जो उसके साथ में रहता है अभी हाँ बिग स्माइल राइवल्स वो बना रहा है वो लड़ रहा है मतलब एक तरीके से है ना क्योंकि इक्का ने भी तो उसी को बोला था ना इसको बोला था मतलब बात तो उसी की हाँ बात उसकी थी तो वो कह रहा है वो राइवल बना रहा तो मेरे को लग रहा है भाई इस कॉम्बो बर्स फायर लाइक एन M4 रा-ता-ता-ता मुझे बस कागज और पेन दो नो हेट टू एनीवन मगर गांड फाड़ थी ना मेरी पहली एल्बम मैंने डिसमिस करनी है कब की छोड़ दी अब दोस्त बना रहा मेरे सारे राइवल्स को आई एम सिली सिक्स मारा मैंने खड़े खड़े वन खड़े मेरे जैसे रैपरों को लगे 1 मिनट तेरे जैसे रैपरों को लगे 7 जन्म रेफरेंसेस है दब के भाई आया था मैं खाली हाथ ना जाऊंगा खाली हाथ में गाने मेरे छोड़ जिंदगी में झांकी मारते गर्दन मेरी काट के रख दो सब सफा में फिल इट अप ग्लास पड़ा मेरा खाली भरो 90 ml ml के साथ फाड़ रहा मैं चिकन हो गया लक्स डिनरों में भाई 90 ml तो पटियाला रहता है ना सबसे खतरनाक वाला वही रहता है 90 ml के साथ मैं हारमोनीज जो बना था ना भाई क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेलोडीज ना इसकी वो जो रहती हैं हारमोनीज पतले वोकल्स भी रहते हैं साथ में इसकी डीप दो तीन वोकल लेयर करके जो बनाता है ना ये बहुत सही लगती है बहुत सही लगती है वाइब आती है हाँ वही वाला सीन मतलब ये नहीं बोल रहा कि वैसे ही वाइब देता है पर माहौल है वैसा टाइप का अच्छा जिंदगी तबाह तेरी रैप शो जीत के इसने पिछले गाने का एंड भी ऐसे करा था वॉइस सीरियस करके यहाँ पे शायद रेफरेंस वॉइस सीरियस करी तूने जिंदगी तबाह तेरी रैप शो जीत के भी नहीं आमदनी तुम्हें तो पता ही नहीं है चैनलों ने बोला पहला साइन कर वरना लगा हाथ कड़ी मैंने ट्रेन में वो शीटें बिठाती हैं प्लेन में खुदा ने देखा है सब बेला के आने से पहले सब सेम थे भाई जो भी था भाई मेरे को मस्त लगा भाई जो भी था fuck you dance मस्त लगा भाई बहुत let's go सब सेम थे मैंने ज्यादा कभी सुना ही नहीं है मैं नाम कभी सर्च नहीं किया मैंने हिप हॉप किसी ने कहा था दिल से जो लिखे तू वही होगा तेरे लिए तेरा हिप हॉप बात मेरे भेजे में अटक गई मुझे अंदर बाहर दोनों से बदल गई अभी साफ साफ दिखे मेरा मंजर साफ साफ दिखे मेरे जिस्मों पे खंजर इन द एंड हम सभी को मिलना है एक ही वर्ड स्विच हो गई गंदी उस खुदा की सांसों को अपने इन कानों में कर रहा महसूस मैं कर रहा महसूस मैं कर रहा महसूस मैं इतना सा पार्ट था जो भाई बहुत ही वो था खतरनाक बिचेस कॉल मी यू द बेस्ट करू नेशन रिप्रेजेंट लाइक गैंग 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 भाई वीडियो भी मस्त बना रही है भाई डिफरेंट है बहुत और उसे नहीं मतलब पिछला गाना ही पूरा मस्त था हुक भी मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो जो बीच में वो उंगली दे रहा था ना कभी भी बिल्कुल पतली आवाज करके वो जो गाया उसने वो भी और उसके बाद एंड में जाके उतनी इतनी सी वर्ड्स मारी जो कि मतलब बहुत डीप इंपैक्टफुल थी रोंगटे खड़े हो गए मेरे उससे बस वो इतना ही पार्ट था ऑल दो गाना तो मस्त था पूरा पर वो पार्ट बहुत पावरफुल था उतना सही पूरे गाने का सबसे पावरफुल ट्रैक था मतलब जगह थी क्या कहते हैं उसको सेक्शन हाँ तो लेट्स गो मैन नेक्स्ट ट्रैक रोशन सर नेक्स्ट ट्रैक आपका अंडर कंट्रोल इसके अंडर कंट्रोल में सो लेट्स गो मैन जब तो सही जा रही है भाई मस्त लग रहा है थोड़ा कमर्शियल लग रहा है
मैं यही था यही पे मौत के बाद है जन्म, जन्म के बाद है मौत, तो कैसा अफसोस है रोज का काम मैं अभी हूँ यहाँ और कल मैं तुझ में। लाइन है, उसने ध्यान भी नहीं दिया लाइन पे, पर उसने इतनी खतरनाक बात बोली है भाई। क्या करना है भाई? जीवन जीवन प्रोसेस, मतलब एक का एक चलता साइकिल है, चलती रहेगी, तो क्या ध्यान देना, मतलब ऐसा वो कह रहा है। ये रहा बेला, मैं यही था यही पे मौत के बाद है जन्म, जन्म के बाद है मौत, तो कैसा अफसोस है रोज का काम मैं अभी हूँ यहाँ और कल मैं तुझ में, शायद तू मुझ में। थैंक सर, ये भी ये करना वो भी ये करना, पहले एक जगह पे टेक लो, रेडी टू डाई, हाँ तभी तो मौत को कर रहा कंट्रोल में। काम पे सीरियस, माइक पे आके हम बातें नहीं छोड़ते। शो पे मचा के खाता मैं पैनकेक, गले में माँ का पेंडेंट, सेमी माँ पे सभी के हैंड रेस्ड, I'm slaying, बचा लो भीड़ में बंदी वो हो रही है फेंट, I'm swearing, फोरों का मौका नहीं मिला तो दे दिए शेड्स। सेमी माँ इसका गाना है क्या? सेमी माँ, हाँ, पिछले वाले में था शायद। ओके ओके, हाँ तो वही कह रहा था वो, तब सारे कॉन्सर्ट में हैंड्स अप कर रहे हैं सब। गले में माँ का पेंडेंट, सेमी माँ पे सभी के हैंड रेस्ड, I'm slaying, बचा लो भीड़ में बंदी वो हो रही है फेंट, I'm swearing, फोरों का मौका नहीं मिला तो दे दिए शेड्स। पैनिक गाड़ी में बेला को देख के लगा रे रेस, अब हेट के बदले में सगुना प्रेम, बीट का बनाना मोर, मचा शोर, बेला का रान द कंट्रोल, इन सब को रहना मेरे क्लोज, लाखों में बिके मेरे पोज, पोज आई पोज भी मार रहा है भाई। मेरा नाम क्या? ओ वही मैं कह रहा यार, इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, आधा ही हुआ है। बेला जितना अच्छा आर्टिस्ट उतना गलत बंदा पे, मानसिक तौर पे। ओ ये तो उसमें बोल रहा होता है ना, ना बंदा नहीं, कौन सा गाना है वो, जितना मेरा आर्टिस्ट उतना अच्छा बंदा नहीं है, ऐसे करके कोई लाइन है इसकी, वो अलग पलट रहा है। मेरा नाम क्या? पूरी बिल्डिंग में पहला जितना अच्छा आर्टिस्ट उतना गलत बंदा पे, मानसिक तौर पे बहुत अजीब पर घोर सटीक हूँ, कैर का नूनी रॉकी, मौत को छू के सबमरीन में, क्रेडिट बिना देखे करूं इंसाफ, तू भी इंसान मैं भी इंसान, वो महत बांध तो बल बांध सब। सही बात, वाह भाई, स्मूथली लाइनें फेंक दे रहा भाई, मैं भी इंसान तू भी इंसान, वो मेहरबान जिस पे मेहरबान हो गया वो बलवान बन जाए, बलवान बोला है कुछ वर्ड का यूज करा कि वो सुप्रीम बन जाएगा एक तरीके से। इंसाफ तू भी इंसान मैं भी इंसान, वो मेहरबान तो बल बांध बलवान, मेरे आगे रख कागज, 100% वो इंस्पायर्ड, We gaining powers, I'm बना रहे empires, I'm not a human, da. मिलकर हूँ wanted, मैं हूँ एक तरफा साली, पूरी दुनिया cornered, Spell on them, Bella kinda arrogant, हो भी मेरे crazy। मैं एक तरफा हूँ और ये नहीं बोल रहा कि मेरे को कॉर्नर कर रखा है, पूरी दुनिया कॉर्नर में कर रहा है वो, कह रहा है मैं हूँ दुनिया कॉर्नर पे, ये नहीं बोल रहा कि दुनिया एक जगह और मैं किसी कॉर्नर पे, नहीं उल्टा है भाई, लाइन से पलट रहा है खतरनाक। कॉर्नर आई स्पेल ऑन देम बेला काइडा एरोगेंट हो बी मेरे क्रेजी एस फाइटिंग लाइक आई एम शैडो मैन पर मैं ट्रेड करूं लाइफ हूं इनसेनली डिजाइन मैंने चीज शैडो गेम गेम में क्या तेरे का मैं भाई तुझे चला रहा कोई और तेरी गांड में डिवाइस हेलो तुझे चला रहा है कोई भाई, मतलब तू रोबोट है, तेरे डिवाइस फिट कर रखा है तेरे, कहां कर रहा है उसने बता दिया तो ऐसा सीन है ब्रो, लेट्स गो एंड मस्ट चीट्स अंडर स्लीव ये सब तेरे का मैं भाई तुझे चला रहा कोई और तेरी गांड में डिवाइस हेलो छोड़ने में पहला लगा तनी टाइम हे टीचर बिठाती रह गई मेरे सर के स्पाइक्स आर्ट्स फक कॉमर्स फक साइंस हूं मैं म्यूजिक से अलाइव आई कैन डाई फॉर माय पीपल एनी टाइम पूरी बिल्डिंग में आई श्योर भाई साहब मेरा नाम क्या है भाई बेला है भाई आपका नाम बेला है ब्रो इन सबको रहना मेरे क्लोज लाखों में बिके मेरे पोज आई एम ऑन अ शो पूरी बिल्डिंग में मेरा नाम क्या पूरी बिल्डिंग में ये भी डोप था भाई टॉप था भाई ट्रैक बहुत ज्यादा मजा आ गया भाई मिक्स टेप के बीच में आ रखा है हां उठ रही है भाई हाँ। मतलब बीट भी डोप है उसने बातें भी ऐसी कर दी कि खतरनाक ही ब्रो पंचेस थे इसमें मेनली पंच लाइंस थी इस गाने में तो वो बहुत सही लगी नहीं रोशन मजा आ गया भाई इसको मैं नेक्स्ट ट्रैक फैंटासिया यस 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 लेट्स गो पिछले गाने में तो मजा आया पंच लाइंस थी उसमें बहुत वाइब ही था वो मतलब डोप वे में डोप में भाई भी था बेला yeah.
पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमे मेरे सारे दीवाने। कुत्ता गया है कि ये लोग मुझे मिले और ठीक से पहचाने। कब तक क्यों ही मेरे गाने से तुम लोग मुझे सर्च करते रहोगे। मैं हाथ में नहीं आऊंगा, तुम्हें मेरे फैक्स भी नहीं मिलेंगे। मेरे माता पिता दोनों सही जगह, दोनों में से किसी एक के लिए मैं फरिश्ता। और इफ आई लूज पर मैं सही था, फिर मेरी जगह आना सकेगा कोई भी मेरी तरह। मेसी लाइफ ये ट्रैश टॉक, ऐसा लगे मुंह में 24 घंटे मैकडॉस। चांदनी रात उसका वोकल टेक्सचर कैसे चेंज हो गया है। इसकी नॉर्मल आवाज लग रही है इस बारी, नाउ एग्रेशन, नाउ चिल, एकदम नॉर्मल। मतलब बैठ के समझाने वाला जो होता है ना, सामने एक स्टोरी टाइप समझा रहा हो, ऐसा कुछ लग रही है उसकी वॉइस में। फरिश्ता, व्हाट इफ आई लूज पर मैं सही था, फिर मेरी जगह आना सकेगा कोई भी मेरी तरह। एकदम नॉर्मली समझा रहा है ये ट्रैश टॉक, ऐसा लगे मुंह में 24 घंटे मेंटोस। चांदनी रात करूं बीट पे मैं मून वॉक, अभी मैं स्टार आधी जिंदगी में स्लम डॉग। रियलिटी में चेक और चेक। ओ भाई साहब, पहले मैं क्या था, स्लम डॉग था आधी जिंदगी, तो मैं स्लम डॉग था, अब जाके स्टार बना हूं। अभी मैं स्टार आधी जिंदगी में स्लम डॉग, रियलिटी में चेक और चेकमेट, मैं किसी की नहीं सेकंड चॉइस, कभी नहीं सेकंड प्लेस। करूं खुद को हर दिन रेनोवेट, टंग मेरी जिम करे मुझसे ज्यादा हैवी वेट। मुझे फैलना है, मुझे फैलना है बहुत ज्यादा वाइट, बहुत डार्क मेरी लाइफ जैसे डार्ट ऑन अ पॉइंट। कभी खुद को हील करने के लिए फूंकता नहीं जॉइंट, मेरे टैटू में सीक्रेट्स, बंप करे लोग गाने मेरे फ्रीक्वेंट। एक ही एल्बम एक ही पहला, मेरी जान जा बनाता रैप सीक्वल्स, गाने लिखे मैं बैठे अंडर स्ट्रीट लाइट, फिर लेने मुझे एयरपोर्ट पूरी स्ट्रीट टाइट। अभी कला मेरी स्ट्रांग हो गई 10 times, पीस दिया था ना सभी को लाइक टेक 9। मैं काफी जिम्मेदार इंसान, पर बहुत गुनाहों में मेरा नाम, ये नशे मेरी जान देने लगे, वो खेल खेले रोज मेरी पक्ष देता जान के। जा तेरा जीना जरूरी है, सीधा बोलना के तेरी मजबूरी है, मुझे कहा लगे खुद ही पछताएगा, बेला घर तुझे राशि नहीं आएगा, मेरा घर तुझे राशि नहीं आएगा। पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे घूम मेरे सारे दीवाने। गया है कि ये लोग मुझे मिले और ठीक से पहचाने। कब तक क्यों ही मेरे गाने से तुम लोग मुझे जज करते रहोगे। मैं हाथ में नहीं आऊंगा, तुम्हें मेरे फैक्स भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें मेरे फैक्स भी नहीं मिलेंगे भाई। बहुत गानों में ऐसा हो रहा है कि सेंटर पे ऐसा लग रहा है कि गाना खत्म हो गया है। हाँ, मेरे को फील लग रहा था कि गाना खत्म हो गया, पहले ये गाना लग रहा था, है ना? वही है, मतलब ये ब्रिज नहीं लग रहा है, ये एंडिंग लग रही है। हाँ, ये ना, 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 वर्स का कनेक्शन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्रिज नहीं लग रहा है, एक तरीके से लग रहा है कि बस आउटरो है, पर है आगे। हाँ, ये जानते नहीं मुझे, अगर जानते तो पागल ये करारते नहीं मुझे। जन्नतों से मिले हथियार, अगर बुरा है नसीब तो वो चुनते नहीं मुझे। चाहिए मुझे पैराडाइज, बोला जन्नतों से मिले हैं हथियार, और अगर मैं बुरा होता तो मेरे को नहीं चुनते हो। एक तरह से कला को बोल रहा है, कला तो मेरे को नहीं चुनते उस चीज। ओके 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 भाई, खतरनाक बात बोल दी है। तो रोशन ने समझा दिया, मेरे दिमाग से उड़ गई थी। हाँ, ये जानते नहीं मुझे, अगर जानते तो पागल ये करारते नहीं मुझे। जन्नतों से मिले हथियार, अगर बुरा है नसीब तो वो चुनते नहीं मुझे। चाहिए मुझे पैराडाइज, मैंने अभी तक नहीं बोला कि मैं जी रहा हूँ बेटर लाइफ। ये DHH में सभी हैं पैरासाइट, यू आर नथिंग, अगर छीन लूं मैं मेलाटाइन। बेला साबुन तेरा स्लो है, सेलिब्रिटी ग्रोइंग, दूर खड़े मेलोडीज है भाई। गाने तो बहुत हैं भाई। राइम्स भाई बहुत गंदी कर रही है। एक तरीके से तो कह रहा है अपना अपना बना रहे जैसा बोल रहा है। हाँ, उस टाइप से तो आके मिल लो, और अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर बेला वक्स भी नहीं देगा, ऐसा कह रहा है कि ये लोग मुझे मिले और ठीक से पहचाने। कब तक क्यों ही मेरे गाने से तुम लोग मुझे जज करते रहोगे। Call man me greatest again, भी बोला इस बारी तो भाई। Next track, मस्त है भाई। Next track, मस्त है भाई, है ना? वही है, इसमें तो फ्लो भी और राइम स्कीम्स भी बहुत अच्छी है, मतलब एवरीथिंग है भाई, बेला फ्लेवर है।
उसके अंदर बहुत बातें बोली लेकिन भूल गया मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा वो था मतलब इसके अंदर ना, तो दिमाग से उड़ गया। सो लेट्स गो मैन नेक्स्ट गाने पे। सिक्स्थ मेंटली रिटार्ड रिटार्डेड। हाँ सो लेट्स गो मैन मेंटली रिटार्डेड। रिटायर हो गया ऐसा वाला सीन है क्या? है रिटायर हो गया है दिमाग से ऐसा? हाँ वही वाला सीन, दिमाग खराब रिटार्डेड, पागल बोलते हैं ऐसी शायद से, यही होता है मेरे ख्याल से उसका मीनिंग। जैसे ही हरकतें कर रहा था नहीं, मतलब कहते हैं कि लाइफ पे कुछ भी बोल देता है ये वो फलाना, तो उसी की वजह से मेंटली रिटार्डेड है, कुछ भी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे को क्या कर रहा तू। हाँ वैसा वाला होता नहीं लाइफ में वक्त सच जो होता नहीं हजम अवाम को बेच को ही किसे देना पसंद सेक्स के बाद वो मांगती फासोस एंट्रीज ये भी बता रेफरेंस भाई बंदियां नेस्टी क्लासी मोर्स के अंदर मैं लगता हूँ सेसी भरी दोपहर थी लिया एक फैसला बनना है रैपर और आगे डी एंडी घंटा डिपेंड नहीं बाप से लड़के सुबाई कैंची एनसीआर से निकल के बॉम्बे एक ही ट्रिप सीधी विन नो फॉल बैक होमी को बोलूं मैं ट्रस्ट द प्रोसेस कोई नहीं जो हो मेरे क्लोजेस्ट मैं ऑन द रूफटॉप मुझे भूख बहुत अभी जाना बहुत ऊपर ये रैपरों के गाने हैं डिल्यूजन तू इसके साथ या उसके साथ कंफ्यूजन स्काउटर पावर अप पहले तेरी महफिल में तो रैपरों के गाने हैं डिफ्यूजन तू इसके साथ कर उसके साथ कर फ्यूजन ये वो वाला हिसाब किताब है कि तू इसके साथ फीचरिंग कर उसके साथ फीचरिंग कर उसी को फ्यूजन बोलना भाई मतलब मेरे को तो ये लग रहा है उसी को बोल रहा होगा। जब भूख बहुत अभी जाना बहुत ऊपर ये रैपरों के गाने हैं डिल्यूजन तू इसके साथ या उसके साथ कर फ्यूजन स्काउटर पावर अप डिल्यूजन है फिल्म है कुछ शत्रु इफ यू डोंट नो शिट अबाउट मी तो लौड़े मुझे जज मत कर तू हाइड एंड सीक आई ड्रीम लेस देन आई वर्क हार्ड करा जो अचीव दिया सब बांट है जन्नतों में मेरे हथियार तो करा करो पागल मुझे आओ मेरे हाथ बांध दो मुक्ति न दो मेरी रूह को जो कदमों में मां के न ला दू जहां को बेला तू एरो कैंट है बेला ने एरो फेंका तेरी गैंग में वर्ड प्ले ब्रो ये पंचीज और होने चाहिए थे भाई एल्बम में ना सिर्फ पंच लाइंस की बहुत कमी है मैं सही बताऊं तो पंच लाइंस बहुत कम है आ रही है भाई वो अनसुनी है मतलब पंच लाइंस की बहुत कमी है बस और मेरे को कुछ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा अब वो आ रही है तो एकदम से पिन कर रही है ओ भाई क्या बोल रहा है ये ब्लैक लाइफ मैटर वाले उसका रेफरेंस मार रहा है क्या? उसने बोला क्विट लिखना है ब्लैक वॉल पे कुछ फिर उसके बाद उसने रायट वायट की बात करी है आंदोलन तो लग रहा है दीवार पे क्विट लिख दिया सर लेकर काली दीवार पे शॉर्ट हेयर स्टाइल रायट मिडनाइट विश आई वाज नेवर बोर्न टू फाइट फॉर देम वेला टू ट्राई कर स्टोरी में मेस सच अ बिग पेन इन माय एस डीएचएच डेड हेलो 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 Do subliminal name, a submarine me who underneath If I bring it down to your long gone Who inspired mutse kar log on bitch Divide and rule, I'm in the muse Kaun sa card karu use Sabhi scope pe, lode pe rakke main baat raha troops Touche, baalo mein rang chada ke ye rapper hai luche Baat raha troops? Ya trues? रखे में बांट रहा था स्काउट कुछ मेरे ख्याल से रखा कौन सा कार्ड पे लौड़े पे रख के मैं बांट रहा ट्रूस ट्रूस पता नहीं क्या होता चढ़ा के ये रैपर है लुच्चे गानों में समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ब्रो थोड़ा वीडियो में क्लूज दे गानों में रंग बालों में रंग गानों में नहीं बालों में रंग चढ़ा इसको बोल रहा है एमसी स्टैन को बोल रहा है भाई अच्छा बहुत सारे हैं मुंह फाड़ने भी कभी गाने में रंग चढ़ा के बालों में रंग चढ़ा के तू बन रहा है फलाना और गाने में क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा लाइन भी मार रहा है वाली डिवाइड एंड रूल आई एम इन द म्यूज कौन सा कार्ड करूं यूज सभी स्कोप पे लौड़े पे रख के मैं बांट रहा ट्रूथ टूशे बालों में रंग चढ़ा के ये रैपर है लुच्चे गानों में समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ब्रो थोड़ा वीडियो में क्लूज दे रेस्पेक्ट ओ भाई बोल रहा भाई मंबल रैप और तो कौन ही है मंबल्स को ही कह रहा है और उन्हें नहीं समझ आता मंबल है ही कितने हाँ अब आप समझ लो आप ध्रुव एक दो है और एक रंग चढ़ाए हुआ तो मेरे ख्याल से बस एमसी स्टैन हमें तो यही लग रहा है अगर आपको कोई और पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर
लेट्स गो, कुछ नहीं, चलो। गानों में समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ब्रो, थोड़ा वीडियो में क्लूज दे। रिस्पेक्ट करूं मैं आर्ट की मगर ये पैसों से व्यूज ले, तो सुन बे ऐसी सो हाइप के आगे हम चुप्पी में मुंह दे। मेरा फक साइन मेरा हाई फाइव बदल डाली मैंने पूरी टाइमलाइन, यू आर सेट बैक एंड होल्ड टाइट, आई एम डिगिंग डीप लिविंग सिक गर्ल बोली बेला तुझे चाहिए एक थेरेपिस्ट, कलम तेरी बन गई है कैटलिस्ट और तू फूक गया तेरी सारी मेडिसिन। एडीएडी ऑन माय नेक गेनू मैं सिन द बिलिंग इन कैश, एडीएडी ऑन माय नेक पिछला वाला, मैं घर खाने से जनता को कर दूं एड्रेस कि मैं हूं द वन अमारी बेला मेंटली रिटार्डेड, बेला मेंटली रिटार्डेड, बेला मेंटली तो बढ़िया गाना है यार। बिल्कुल एमसी स्टैंड पे शॉट लिया है भाई, हमें तो लग रहा है साफ साफ। बिल्कुल और कोई तो दिमाग में आ भी नहीं रहा भाई। हाँ कोई नहीं आ रहा, और बंदा दिमाग में आ ही नहीं रहा, मतलब जब तक, हाँ अगर वो रंग वाली बोल देता ना हम चार नाम हो जाते, पर जब उसने बोला ना हाँ। गाने में कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहा है आर्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं, मिंटा ने भी बाल वाला था लेकिन समझ तो आया था क्या बोल रहा, तभी हमने बताया कि यस ऐसा वैसा जो। यस 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 यस, सो लेट्स गो मैन। आखिरी ट्रैक सेवंथ म्यूजिकल सैटन, पिछली बारी सैटन बोल दिया था, नीचे कमेंट करें सैटन, ओके शैतान, डीमन, डीमन तो क्या शैतान ही कहते हैं ना। हाँ तो वही, तो लेट्स गो मैन। उस दिन मेरे दिल में बस नफरत और पागलपन, हम बैगे नहीं थे उड़ने की आदत कम, ये बस था भाई गाना बस। और दिन में बादल कम, मैं सपने बुन रहा था और पड़ गई चादर कम, इसमें नहीं था वो, मैं अलग नहीं पहला इंसान, ये इसी में तो हो रहा हो अभी नहीं बच्चा बाद में आता हो क्या पता, सॉरी गाइस। दिस सी मी लाइक डिफरेंट, मैं अलग नहीं पहला इंसान, ये भाई ये लाइन थी भाई, मैं अलग नहीं पहला इंसान हूँ, जैसे वो भीड़ में भी भीड़ को कोने में खड़ा कर रहा था ना, ये उस टाइप की लाइन है। बिल्कुल उस टाइप की ना, कि मैं भीड़ में, मतलब तुम अकेला मेरे को अलग मत समझो, वो कोने में मैं तो जगह डिफरेंट नहीं हूँ, डिफरेंट नहीं हूँ, पहला हूँ इसलिए तुम्हें डिफरेंट लग रहा हूँ। मेरे पे बोझ है बहुत इन कंधों को कहीं ना कहीं आराम दूं, आंखों में खुदा की रोशनी खुदा ने खुद ही अंधेरे में भेजा है। पहला तू काफी अकेला है, पहला तू काफी अकेला ही यार, ये रोशन और मैं इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो बोला इसने, रोशन नहीं पकड़ी थी, मैंने तो पकड़ी नहीं थी लाइन उस टाइम, मेरे दिमाग से निकल गई थी, क्या बोल रहा था कि बेला तू काफी अकेला है। हाँ और इसमें बोल रहा है काफी अकेला ही, वैसे ही बोलता काफी अकेला है। हाँ तो मस्त लगता होता कि अकेला काफी है, मतलब कि अलोन है। हाँ। और दूसरा ही अकेला ही सबको देख लेगा। हाँ। तो काफी है। हाँ। वो वाला तो वही वाला हमने सोचा कि अगर वो ज्यादा हाँ, हाँ। जैसे एरोगेंट और वो हाँ, खेला हाँ, तो ये हाँ, भी खेल हाँ, तो समझ जाते हैं बंदे, ऐसी हाँ, बात नहीं मेरे, मस्त लगता है बेला तू काफी अकेला है। हाँ। बेला तू काफी अकेला है। हाँ। मतलब कि आप तू बहुत अलोन भी है और इस तरीके से कि तू अकेला ही काफी फाड़ते रख देगा सबकी। हाँ। तो वो एक से हो जाता और वो बंदे सोचते कि हाँ यार कुछ तो बोला है तो और अच्छा लग, हमारे हिसाब से यार देखो वो आर्टिस्ट है उसने कुछ सोच के लिखा होगा, नहीं हमें कैसा अच्छा लगता या हमारी नजर में ऐसा होता तो ज्यादा बेटर, क्या पता आगे की लाइन से कनेक्शन के लिए भी हाँ कुछ हो सकता है। हाँ लेट्स गो। आराम दूं आंखों में खुदा की रोशनी खुदा ने खुद ही अंधेरे में भेजा है। बेला तू काफी अकेला है, बेला तू काफी अकेला ही, इन लोगों में फिट नहीं हो रहा मैं, इनको पढ़ी के हिट नहीं हो रहा मैं। मेरा मुकाम कुछ और है, गाने बना के बस इनको दौड़ा मैं। दिल्ली का लौंडा मैं, यहाँ तक आने को जान से दौड़ा मैं। मत करो प्रिटेंड के रैप को छोड़ा, ना हो सका बाप से चौड़ा मैं चलूं अब आंखों को बूंद के भरूं तालाब को बूंद बूंद से, मैं फिर से ना धूल में मिलूं तो रखूं मैं पांव को फूक फूक के। सब्स और व्यूज तो सब पे आएंगे, हर दिन बदलती स्क्रीन पे चॉइस है तेरे पे, दिल से सुन बस उसको सुन जो हील करे। बैग्स ब्रो जी कर देख बैग्स, स्क्रीन्स तो चेंज होती रहेंगी ब्रो। हाँ तो उसको सुन जो तेरे को हील कर रहा है, मजा जिसमें आ रहा है। यस ब्रो कुछ भी सुनो कोई दिक्कत नहीं है, जो तेरे को फील करा रहा है कुछ फील कर रहा है, ये नहीं कि तू खाली सिर्फ आर्टिस्ट को सुन रहा है कि वो तेरे को पसंद है, भले ही वो तेरे को कुछ अंदर ही उस गाने से कुछ फील नहीं करा रहा तो उसे सुनने का कोई फायदा नहीं है। उसको सुन भले ही तू उसे पसंद नहीं कर रहा, अगर उसके गाने से तेरे को फील आ रही है, तेरे से कनेक्शन हो रहा है उस गाने में, उसको सुन। तो बेला का कहना ही है तो सही बात, इसे तेरे पे दिल से सुन बस उसको सुन जो हील करे। ट्रबल है लाइफ पर जी कर देख, लोगों का फ्यूचर ही फीस पर है, खाने को पैसा नहीं जेब में, माँ कैसे हम स्टूडियो की फीस भरे। जब से हूँ मैं होश में या कहूँ मैं इमोशनलेस, बने मेरी कंट्रोवर्सीज,
भाई नहीं, जब से हूँ मैं होश ही में, जब से मैं हूँ मैं इमोशनलेस, तो होश में कब आया, जब मैं इमोशनलेस हो गया। वर्ड प्ले, ऐसी वर्ड प्ले वहाँ वो मस्त लगता था ना। या कहूँ मैं इमोशनलेस, बने मेरी कंट्रोवर्सीज, हर दिन नया फोकस सेट, हूँ जाने किस तरकश में, सब साथ वाले घायल है, तो म्यूजिक के लिए नहीं बना है, पहला तो शुरू से शायर है। उस दिन मेरे दिल में बस नफरत और पागलपन, हम बैगे नहीं थे, हमको उड़ने की आदत कम, उस दिन थी रातें लंबी और दिन में बादल कम, मैं सपने बुन रहा था बस पढ़ के चादर कम। ये हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एंड में आ रहा था सही है ब्रो। देखो अभी यहाँ पे भी लग रहा था खत्म हो गया। हाँ मेरे यहाँ पे एंड में बीस की है। मैंने लोगों से खामा का, लोगों से खामा का लड़ता रहा मैं, शॉर्टी में सच्चा इंसान हूँ, झूठ को लेके अब आगे नहीं बढ़ता मैं, दिखता नहीं साइफर्स में, आधे से ज्यादा सब माइनर्स हैं, दिसी मी लाइक तुझे तो आता है, हमें भी छू ले तू माइडस है। ये हमें पता नहीं था पिछली बारी, मतलब पिछली बारी नहीं पता, फिर कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया कि माइडस को ही राजा बता रहे थे, जो कुछ भी छूता था ना तो वो गोल्ड का बन जाता था। तो कह रहा है तू तो बेला, तू तो है, मतलब तू सुपीरियर है, तेरे को सब आते, तो हमें भी छू दे तो तेरी नॉलेज हमें मिल जाएगी, यानी हम भी अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कुछ रेफरेंस था ये, तो बहुत सही था ये। मैंने लोगों से खामा का, लोगों से खामा का लड़ता रहा मैं, शॉर्टी में सच्चा इंसान हूँ, झूठ को लेके अब आगे नहीं बढ़ता मैं, दिखता नहीं साइफर्स में, आधे से ज्यादा सब माइनर्स हैं, दिसी मी लाइक तुझे तो आता है, हमें भी छू ले तू माइनर्स है। खुदा ना काटो ये पर, एक ही है बेला दीपक और लुसिफर, सोलो सर्वाइवल, खुदे को अंत में चढ़ाऊंगा सूली पर, सोसाइटी कला के दुश्मन रिश्ते ना पे लुसिफर करा बैठे, इंसान क्या होता सिखाओ ना बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले, मैं दुखी हूँ लोगों के लिए तो गाने में कैसे मैं खुशियाँ लिखूं, बेला तू काफी डिप्रेस्ड है, इतना भी दुनिया को कर मत हील तू, ए खुदा फिर ऊपर बुला ले, बंद कर दे बनाने तमाशे, मैं थक चुका खुद को जला के, बेला की राख में शेरन है, पहला ही लाख में शेरन है, सेटन है, हमें पिछली बारी शेरन लगा था, जो भी उसका भी सेंस बन रहा था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ लेकिन अब वर्ड ही वर्ड अगर अलग है, अगर क्योंकि एक तो लिरिक्स है पता नहीं है, लिरिक्स नहीं है तो हम भी, क्योंकि वो सुनाई भी नहीं दे रहा ढंग से बहुत, वो डीप वोकल, क्योंकि वो गाने का नेम भी है और उसमें पीछे से वो डेविल वाली आवाज भी आ रही है, सेटन वाली, तो क्या पता वही वर्ड बोल रहा हो। सो लेट्स गो मैन, मतलब अच्छी है। हाँ, यही वाली ऐसी प्रोडक्शन उन 6 साउंड में हो ना, हाँ, तो मस्त, तो मजा आए, कम से कम कुछ भी नहीं तो 10-15% वो और उठ जाएंगे, हाँ, तो इंक्रीज हो जाएगी इंपैक्ट उसका, हाँ, वो थोड़ा कम हो रहा है, स्टार्ट होते ही इतना फील हो गया कि वो एक अलग था, जैसे कॉर्नर वाली बात है, तो ये एक अलग झलक रहा है, वो अलग झलक रहा है, इतना तो दिख रहा है, वाला सीन हो रहा है। बस गाने में मेरे को बस एक वही लगी, पंच लाइन्स, मतलब पूरी एल्बम, गाना नहीं कह रहा, पूरी एल्बम में पंच लाइन्स, देखो बेला का फ्लेवर है वो ठीक है, हम मानते हैं बेला के सुनने वाले सुनेंगे, बिल्कुल, पर कोई जो बाहर से बंदा आएगा उसको भी तो कुछ चाहिए ना, समझ रहे हो ना, नया तो, हाँ एक बोले दो कि वो उसको ईयर कैची लगे, ईयर कैची है, बेला को सुनने वाले जिनने सुना उनको लगेगा, पर जो और रैपर सुन के आ रहे हैं उनको कुछ नया चाहिए होगा और कुछ खतरनाक चाहिए होगा, जो कान में लगे ओ माय गॉड यार ये क्या बोल दिया इसने, तो वो पंचलाइन काम करती है कि बंदे को बैठा के रख दे कि हाँ यार ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो वो इम्पैक्ट देती है लिसनर को, पंचलाइन है कम है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वर्ड प्ले है, हाँ तो वो चीज है कम है क्योंकि अपना हाँ, स्टाइल मतलब मेरे हाँ, को लग रहा है कि रखा हुआ है, वो और ज्यादा हो जाए हाँ, तो और मस्त हाँ, हो जाता है अपने आप, हाँ, मतलब थोड़े और हो जाएंगे तो एक मतलब कोई बाहर का बंदा भी कोई सुनने के लाएगा तो उसको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा, मतलब एक गाने में अगर 2-3-4 मिल रहे हैं सुनने हाँ, और वही चीज बढ़ जाएगा और हाँ, तो भाई मजा ही आएगा, और पंचलाइन हिट करती है, पंचलाइन हिट करती है, याद रहने वाली चीज है, हाँ सही में भाई, मतलब मजा आया, मतलब मैं कहूंगा कि वो पिछली कौन सी थी, वो सांप वाली, वो मेरे को ज्यादा बेटर आई थी इससे, क्योंकि उसमें तौबा तौबा वाला गाना और मतलब 2-4 गाने थे वो एकदम ही मतलब ना कतई डोपते, और उनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी थी, सबसे बड़ी बात हाँ। प्रोडक्शन की इसमें तो मेरे को सबसे बड़ी कमी प्रोडक्शन की लगी, देन देखो लिरिकली बेला है, उसका अपना टेस्ट है, वो लिरिकली तो है भाई सैवेज, क्योंकि वो बहुत लाइनें ऐसी मार रहा है जो कभी सुनी नहीं है हाँ। अब वो जो बोल रहा है कि मैं रात को वो करता हूँ तप, और फिर उसमें बाद में मैं मुर्दे को जीने की चाहत देता हूँ, तो वो लाइंस कितनी डीप हैं, और बहुत सारी मैं कि झूठन नहीं, मैं तो उसकी सिर्फ झूठी थाली हूँ, तो मतलब बहुत ऐसे रेफरेंसेस तो आपने कहीं सुने ही नहीं, सिर्फ बेला ही मार रहा है, तो वो भी बहुत यूनिक है, पर कहीं कहीं ऐसे भी लग रहा है, और एक तो वो सबसे बड़ी बात, गाने बीच बीच में लग रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं, हाँ 50% का रेशियो आ रहा है उनका टाइम स्टैम्प का, तो लग रहा है कि आधे पे खत्म है, आधा गाना प्ले होते ही वो ऐसा गा रखा है, जो भी ब्रिज बना रखा है,
तो वो लग रहा है वहीं एंड नहीं है गाने की। हाँ वो ब्रिज ही आउटरो लग रहा है मतलब उस ट्रैक का ऐसा सीन है, फिर लेकिन वो वापस उठ रहा है, हमें बार बार लग रहा है खत्म हो गया क्या, नहीं यार अभी तो आधा ही हुआ, खत्म हो गया क्या, नहीं यार ये तो अभी आधा ही हुआ है। तो हम ये कहेंगे वैसे ट्रैक सारे मस्त हैं, ऐसा नहीं है, बस प्रोडक्शन क्वालिटी एक रोशन, और मेरे को प्रोडक्शन क्वालिटी 6 गानों में ऊपर की तो टॉप नॉच नहीं लगी, ये भी नहीं कहेंगे बेकार है, टॉप नॉच नहीं है, पर जो सातवां ट्रैक है सातवां सुनोगे तो छठे के बारे में बोल पाओगे वरना नहीं बोल पाओगे ऐसा। हाँ तो लेट्स गो मैन बेला वाइब्स हैं ब्रो। और सबसे बढ़िया भाई मतलब बंदा गाने फेंकते रहता है, फेंकते ही रहता है भाई, रुकता ही नहीं है भाई, ये बहुत तगड़ी चीज है करने को भाई एक आर्टिस्ट पे, मतलब दम लगता है भाई और बहुत जोर लगता है, लिरिकली भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि हमने क्या लिखा, भी नहीं बन रहा मतलब हाँ, अच्छा ही बन रहा हाँ, जो बन रहा अच्छा, और ऊपर से इतने लिख रहा है उसके बाद और बना रहा है तो वो डिफिकल्टी हो जाती है। अभी अंजुम ने भी मारी थी लाइन अपने गाने में कि वही कि मैं इतने गम वेच दिए लिखू तो लिखू भी क्या होता है भाई, ये गम तो बिक गए पहले बाजार में, तो वो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा इस गाने की लाइन तो मैं बोल चुका हूँ या ये लाइन बोल चुका हूँ, नया बना रहा हूँ तो कुछ नया ही बोलूंगा, तो ये सीन भी है बहुत ज्यादा दिमाग सोच के लिखना पड़ता है। और होप भाई मतलब चले भाई की एल्बम हमारी, तो ये विशेष है भाई पूरी मिक्स टेप चले क्योंकि अच्छी है भाई, बुरी नहीं है अच्छी है बहुत, बस वही है हमें बिल्कुल जो बात हम बोल रहे हैं शायद जल्दी पता भी नहीं लगे किसी को, कोई जरूर नहीं है पता ही लगे प्रोडक्शन क्वालिटी, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता होता है कि क्या प्रोडक्शन की क्वालिटी में मतलब जो ज्यादा सुन रहा है उसको पता लग रहा है, पर एक रेगुलर ऐसे आ रहा है नया बंदा पहला को सुन रहा है नहीं बोल पाएगा कुछ, हाँ वो नहीं बोलेगा कुछ। तो लेट्स गो मैन फाइनली भाई हो गया रिएक्शन, अगर आपने नायाब का रिएक्शन नहीं देखा वो भी ड्रॉप कर दिया हमने, नायाब पे भी रिएक्शन कर रखा तो आप वो भी देख सकते हैं भाई, वो एल्बम भी बहुत भाई मतलब अभी तक की हमें तो बेस्ट लगी वो, हाँ मतलब अभी तक की कुछ नया ही था मतलब उनके तरफ से भी जो आर्टिस्ट ने बनाया है फाड़ दिए ब्रो ने, उन तो वो खुद भी वैसा नहीं बनाया उन्होंने पहला ऐसा लग रहा है, उसने खुद ही लाइन मारी है कि अपना सर लेके मतलब सीलिंग फाड़ दी कुछ ऐसी लाइन मारी उसने, और सही में मारी है भाई सही में फाड़ दी सीलिंग, बहुत सही ट्रैक्स उसमें सारे। लेट्स गो मैन मजा आया बेला की मिक्स टेप पे, आपने रिक्वेस्ट करी थी हमने कर दी और हमको करना था क्योंकि हमें बेला पसंद है, साफ सीधी बात सबका शेड्यूल बन रहा है धीरे धीरे कर रहे हैं सब बस एक अब सिकंदर कालोपाजी की एल्बम रह रही है वो बहुत लंबी है तो उस पे भी काम चलेगा, अब देखते हैं एक दो दिन में बनाते हैं। सो लेट्स गो मैन रोशन सर, बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।